मध्य प्रदेश की राजनीति में जब भी कमलनाथ का जिक्र होता है तो साथ में छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र जरूर हो जाता है। कहा जाता है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया, लोगों को खूब रोजगार मिले, इंडस्ट्री आई, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या वाकई में छिंदवाड़ा मॉडल ऐसा है? एक युवा ने छिंदवाड़ा मॉडल को चुनौती दी है। जी हाँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं छिंदवाड़ा के देवरावन भलावी, अब उन्होंने ताल ठोक दी है नकुल नाथ के खिलाफ। वो चुनाव मैदान में उतर गए हैं। दावा है कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराएंगे और गोंडवाना गौरव के लिए संसद में पहुंचेंगे। देखिए रिपोर्ट। सड़कें पूरी तरीके से पीली दिखाई दे रही हैं। पीले झंडों के साथ ये काफिला छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहा है। देवरावन भलावी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। जोर शोर से नारे लग रहे हैं, गोंडवाना के नारे हैं, छिंदवाड़ा के नारे हैं। ये काफिला करीब 1.5 घंटे के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचा और उसके बाद देवरावन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में भी देवरावन ने 20,000 वोट हासिल कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये कमलनाथ का छिंदवाड़ा है, जिस छिंदवाड़ा के कमलनाथ होने का दावा करते हैं। आखिर क्यों नकुलनाथ को और बीजेपी के बंटी साहू को देवरावन चुनौती दे रहे हैं? क्या वाकई में वो चुनौती दे पाएंगे? उनके मुद्दे क्या हैं? उनका विजन क्या है? ये सब समझने के लिए हमने उनसे बातचीत की। सुनिए क्या दावा है देवरावन का। सेवा जोहार, मेरे साथ प्रवीण ध्रुवे जी और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा से जिला अध्यक्ष। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अभी मुझे प्रत्याशी बनाया है और जिसको लेकर छिंदवाड़ा जिले में पूरी गोंडवाना आंदोलन के साथियों के साथ, बहुजन मूवमेंट के साथ मिलकर मैंने कल ही नामांकन पत्र दाखिल किया। और एक चैलेंज हमने यहाँ पर आज लिया कि छिंदवाड़ा की जो पावन धरा है, जहां पर कानपुर के, बंगाल के, बाहर के लोगों ने आके 45 साल तक यहाँ पर राज किया और वर्तमान समय में सांसद नकुलनाथ जी जो और कमलनाथ जी जो बड़े बड़े डंका पीट रहे हैं कि आदिवासियों के लिए हमने छिंदवाड़ा जिले के अंदर बहुत विकास किया है, बहुत दिन रात आदिवासियों ने हमें वोट देके जिताया है पूरे। ये बात तो सत्य है कि आदिवासियों ने वोट देके दिखा, लेकिन विकास की बात तो सत्य नहीं है। विकास क्या हुआ? आज भी आदिवासी राशन की दुकान में नून, चावल, गेहूं के लिए लाइन पे खड़ा हुआ है। ये विकास हुआ? विकास ये हुआ कि आज आदिवासी देखिए अस्पताल और स्कूलों की हालत खराब है। किस चीज के विकास की बात कर रहे हैं? आदिवासियों के संस्कृति संरक्षण के लिए इन्होंने आदिवासियों के एक भी महापुरुषों की बड़ी प्रतिमा यहां पर नहीं लगवाई 45 साल से। छिंदवाड़ा पांडुना के आदिवासी जो है उनके आर्थिक विकास आप देख लीजिए, ये कमलनाथ जी की विगत 45 साल के अंदर जो संपत्ति है 45 गुना बढ़ गई है। लेकिन पर कैपिटल आय, प्रति व्यक्ति आय यहाँ के आदिवासियों की क्या 45% पहुंची 45 साल में? आप देख लीजिए आदिवासी जा रहे हैं बाहर, पलायन हो रहे हैं, बड़े बड़े भूमाफिया को पालने का काम यहाँ के कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने करी है, सांसद नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने करे हैं। इनके नेता जो अभी बीजेपी में गए उनकी संपत्ति आप चेक कर लीजिए, जिनके पास आज से 45 साल बाद 5 एकड़, 2 एकड़ जमीन नहीं थी, खाली हाथ कटोरा लेके आए थे, आज वो 1,000-2,000 एकड़ जमीन के मालिक है। और जब इन्हीं के पीछे ईडी और सीडी के जब जांच बैठने लगी तो इधर उधर भागने लगे, कांग्रेस से बीजेपी में जाने लगे। जितने लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए सबके पीछे वो भाजपा सरकार लगी हुई है। ये वही लुटेरे हैं जिनने आदिवासियों को 45 साल तक लूटा। बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के को दोनों पहलू है जी। इनके जो आका है अडानी है, दोनों के आका अडानी है। यहां पर भी अडानी को लाने का काम कमलनाथ जी ने किया और यहाँ के आदिवासियों को विस्थापित करने का काम किया। कांग्रेस ने आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर हसदेव जंगल को काटा, कहां के लिए? ऑस्ट्रेलिया में बिजली पहुंचाने के लिए। पूरा जंगल काटने का काम कांग्रेस की सरकार ने करी और छिंदवाड़ा में भी अडानी को लाने वाले कमलनाथ जी है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों आका जो अडानी है यह है पूंजीपतियों की लॉबी है, पूंजीपतियों के गुलाम है। और जिनको छिंदवाड़ा की जनता समय रहते जो है परिचित हो चुकी है और इनको उखाड़ने के लिए दिन रात हम लोग काम करने के लिए तैयार है। अब क्या है, ये बोलते विकास की कुछ चीजें हैं, विकास की बात ये करते हैं। कमलनाथ जी 365 दिन में, आप 65 दिन भी छिंदवाड़ा में नहीं रहते, वही प्रवासी पक्षी की तरह है जो बाहर से आते हैं और बस जाते हैं और निकल लेते हैं। 365 दिन में 65 दिन भी आप यहां नहीं रहते। आप जब भी आते हो तो आप बोलते हो छिंदवाड़ा आगमन हुआ, आप सांसद यहाँ के, विधायक आप यहाँ के, लेकिन आप रहते कहाँ हैं?
आपके कमल कुंज में भी आप जो है जमींदारों जैसे बैठे रहते हैं, वहां लोग हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं। आप कभी उतरिए हेलीकॉप्टर से, कभी आइए मोटरसाइकिल से, साइकिल से पैदल घूम के देखिए, आपको विकास असली विकास जमीन में देखेगा। हेलीकॉप्टर से ऊपर विकास नहीं दिखाई देता, विकास देखने के लिए फटी चप्पल पहन के देखिए एक बार, तब आदिवासियों का विकास आपको पता चलेगा। उनकी झोपड़ी में रोक के देखिए, तब आपको विकास पता चलेगा। आप एसी में रहने वाले लोग, बड़े बड़े भोजन करने वाले लोग, बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कराने वाले लोग, कभी सरकारी अस्पताल में इलाज कराया कमलनाथ जी आपने? ये भूमि कमलनाथ की भूमि नहीं है, ये भूमि पतालकोट का अहिरावण की भूमि है, ये भूमि देवगढ़ की चंडीदाई की भूमि है, ये जो भूमि है रैनीगढ़ के हमारे खंडेराई पेन की भूमि है, ये भूमि हमारे छिंदवाड़ा के मुठुआ पेन की भूमि है। और इस भूमि में हम मूल निवासियों का राज रहेगा और हमारी संस्कृति हम जिंदा रखेंगे। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के हाथ उखाड़ के फेंकेंगे और बीजेपी के यहाँ पर पैर जमने नहीं देंगे। इसलिए हम लगातार काम करते रहेंगे और गुणवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो मिशन है उसको हम पूरा करेंगे। यही काम बीजेपी ने करी जब राजा महाराजा शंकर दो जिनको तोप के सामने बांध को उड़ा दिया गया, उनको महाराजा थे, बावनगढ़ के महाराजा थे, लेकिन आरएसएस राजा शंकर शाह करने के लिए इन्होंने जो है आरएसएस नाम उसका रखा, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी रखा, जबकि इनको रखना था महाराजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी, लेकिन आरएसएस को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी का नाम ऐसे आपने रखा। हम देख रहे हैं और अब हम समझ चुके हैं, अब आपका बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ चुका है, आपकी जड़ें उखाड़ कर फेंकने का समय आ चुका है। अब छिंदवाड़ा का मूल निवासी, छिंदवाड़ा का आदिवासी छिंदवाड़ा में राज करेगा, क्योंकि हमारे महान पुरखों ने कहा था मावा नाटे मावा राज, गोंडी में चिल्लाया था, ये गोंडी भाषा में है, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे जिले में हमारा राज, मावा नाटे मावा राज, जय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा की जंग काफी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी की ओर से वहां पर प्रभारी हैं और उनका दावा है कि इस बार वो नकुलनाथ को 5 लाख वोटों से हराएंगे और तेजी से इस समय कांग्रेस छोड़कर 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता छिंदवाड़ा में बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावन बल्लावी का ये दावा इस पूरी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएगा और हो सकता है छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश के राजनीति में एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिले। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं।